हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय सेल्फ राजीव मौर्य एंड टुडे वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग व्हाट एवर वी हैव डिस्कस इन आवर प्रीवियस वीडियो एंड आल्सो एंजॉय विद दिस वीडियो। स्टूडेंट्स, इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस सम फॉर्मूले and I hope you have still remember them, because the all question in profit and loss based on formula, so you need to remember them and don't forget them, because without formula we cannot solve any more question of the profit and loss. So student, let's see some more question from this section. So here the first question is given: if the selling price of an article, if the selling price of an article is twice the cost price then find the profit percent. Then the profit percent will be, and here the options are given: 50%, the second option is 100%, the third option is given 80%, and the fourth option is none of these. So in this question there are four options given. We have to choose the appropriate option for this. So in order to find out the appropriate option, first of all we have to solve the question. So let us read the question carefully. In the question, if the selling price of an article is twice the cost price, then find the profit percent. ठीक है, इस question में कहा है कि अगर किसी वस्तु की selling price इसके cost price का 2 times होता है, ठीक है, मतलब क्या है कि कोई अगर आर्टिकल हम लेते हैं और कंसीडर करते हैं कि उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है, तो उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा, कंफर्म है कि वो 200 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि जो उसका सेलिंग प्राइस है उसके कॉस्ट प्राइस का 2 times है। क्लियर है ये चीज, क्लियर होनी चाहिए बात सबको। तो हम यहां पर कहेंगे लेट अस कंसीडर द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू 100 रुपीज, देयरफॉर द सेलिंग प्राइस
therefore the selling price is equal to 200. अब कोई पूछे कि क्यों आपने सेलिंग प्राइस को 200 लिखा, तो आप कहेंगे क्वेश्चन में ये बात कंडीशन दिया हुआ है, ये कंडीशन उसमें दे रखा है कि जो आर्टिकल है उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस का 2 times है। देखिए क्वेश्चन में देखिए तो यहाँ पर ट्वाइस लिखा हुआ है, तो ट्वाइस का मीनिंग होता है 2 times, क्लियर है ये चीज। तो अगर यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस 100 rupees लेते हैं तो सेलिंग प्राइस इसका 200 rupees होगा। अब सिंस सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सिंस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देयरफॉर देयर विल बी प्रॉफिट, यह बात कंफर्म है, ठीक है। तो उस केस में हम प्रॉफिट निकालते हैं, तो प्रॉफिट के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्लियर है ये चीज। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस है 200 माइनस 100 विच इज द कॉस्ट प्राइस, सो हियर वी गेट 100 rupees एज प्रॉफिट, therefore we get 100 rupees as profit, clear होनी चाहिए ये चीज सबको। अब दूसरी चीज, यहाँ question में कहा है profit percent find out करिए, तो हम option से match कराएंगे कि कितना profit percent आता है। तो profit percent के लिए हम formula use करते हैं, profit percent is equal to होता है profit upon क्या लिखते हैं कॉस्ट प्राइस। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही इस चीज को बता दिया था, क्लियर करा दिया था कि किसी भी आर्टिकल का प्रॉफिट या लॉस उसके कॉस्ट प्राइस पर डिटरमाइन किया जाता है, न कि सेलिंग प्राइस पर। तो इस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हमने माना है 100 rupees, तो पहले तो फार्मूले का कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाइड बाई 100 लिखेंगे, फिर फार्मूले में रखेंगे, तो प्रॉफिट हुआ है हमें 100 rupees का, तो लिखेंगे 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस हमने कंसीडर किया 100 rupees, तो फिर लिखेंगे 100 और मल्टीप्लाइड बाय क्या है 100, तो यहाँ भी 100 हो जाएगा, ये 100 से 100 हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो 100% का मिलेगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, सही होगा। सो दैट ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। सो लेट अस रिवाइज द क्वेश्चन वंस अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। इन द क्वेश्चन इट हैज बीन गिवन, इन द गिवन इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ट्वाइस द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, अगर किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस का 2 times है, देन द प्रॉफिट परसेंट विल बी, तो उसका प्रॉफिट परसेंट होगा 50%, 100%, 80% और नन ऑफ दीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द क्वेश्चन वी कंक्लूड दैट द कॉस्ट प्राइस, सॉरी द सेलिंग प्राइस इज 2 times ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, therefore we consider the cost price as 100 rupees, therefore its selling price will be 200, is that clear? Since from the condition we can see that selling price is greater than cost price, therefore it will be profit and there is no any doubt. Now we use the formula profit is equal to selling price minus cost price, and this will be equal to 200 minus 100, and here we get 100 as profit, clear? In the next condition, question is asked like profit percent, not profit, so we use profit percent is equal to profit upon cost price multiplied by 100, so we get 100, that is the profit, upon 100 which is the cost price,
मल्टीप्लाई बाई 100 एंड एट लास्ट वी गेट द रिजल्ट एज 100%. ओके स्टूडेंट, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question is, a dishonest milkman, a dishonest milkman sells milk adulterated with 20% of water. Adulterated with 20% of water. 20% of water. Find his profit percent. His profit percent is, and the option is given 20%, 25%, 80%, 4th option is none of these. So this is the given question. Now let's read the question carefully and try to understand the meaning of the question. In the question, a dishonest milkman sells milk adulterated with 20% of water. एक मिल्कमैन है जो मिल्क सेल करता है, अपने मिल्क में 20% वाटर को ऐड करता है, मतलब मिल्क में वाटर मिक्स करके वो मिल्क को क्या करता है, सेल आउट करता है. और कितना वाटर मिक्स कर रहा है, 20%. तो हमें चेक करना है कि उसको प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है, मतलब वो कितने परसेंट का प्रॉफिट कमा रहा है अपने मिल्क को सेल आउट करने को. तो ध्यान से समझिए क्वेश्चन में. सपोज करेंगे, लेट अस कंसीडर the amount of pure milk is 100%. Okay, we shall consider the pure amount of milk is 100%. अब 100% प्योर मिल्क में 20% वाटर जब मिलाएगा तो वो एक मिक्सर बनेगा. तो हमें पता, सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव कंसीडर द अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क इज 100%. व्हेन ही ऐड 20% वाटर, देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क इन द मिक्सचर. जस्ट सपोज हियर टोटल वॉज 100%. वेन ही मिक्स वाटर, देन 20% वेन ही मिक्स वाटर. जब वो प्योर मिल्क में 20% वाटर मिक्स करेगा तब प्योर मिल्क कितना होगा, 80% होगा. यही तो होगा, बोलिए.
अगर आपने इसमें 100% मिल्क का, प्योर मिल्क का, जब उसमें आपने 20% वाटर को ऐड किया तब 80% प्योर मिल्क होगा। क्लियर है ये बात? ये बात सभी को क्लियर होनी चाहिए। तो क्या होगा अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क इन द मिक्सचर, अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क, अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क इन मिक्सचर इज इक्वल टू 80%। क्लियर होनी चाहिए। 100% प्योर मिल्क का जब उसमें 20% वाटर को ऐड किया जाता है तो प्योर मिल्क उसमें 80% ही तो होगा, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखिए, अगर मैं कहूं कि वो कितना परसेंट, सॉरी कितना वो प्रॉफिट उसमें कमाता है, तो आप यहां पर जब प्रॉफिट निकालोगे तो प्रॉफिट हो जाएगा उसके पास प्योर मिल्क था कितना, 100%, यानी कि 100 था। वाटर को मिक्स जब किया तो उस समय उसके पास मिल्क कितना था, 80 था, तो माइनस कर देंगे 80। क्लियर है बात? तो यहां से हमें क्या मिलेगा, 20। तो ये जो है 20% एक्स्ट्रा मिल्क उसने बचा कर रखा, तो जो प्रॉफिट गेन करेगा वो प्रॉफिट इस 20 पर गेन करेगा। तो जो प्रॉफिट वो गेन करेगा वो प्रॉफिट 20 पर गेन करेगा। तो यहां से हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट विल इक्वल टू 20/80 × 100। क्लियर होना चाहिए चीज कि जितना वो मिल्क बेच रहा है प्रॉफिट उसी पर तो हम निकालेंगे। अब यहां पर आपको कंफ्यूजन होगा कि इनिशियली उसके पास मिल्क 100% था तो हमने कॉस्ट प्राइस के जगह पर 80 क्यों लिखा, उसने मिल्क बेचा कितना, इस चीज को समझिए। 100% मिल्क तो था लेकिन जब उसने पानी को ऐड किया, उसने वाटर ऐड किया, तब उसके पास मिल्क 80% ही होगा क्योंकि 20% उसमें वाटर है। तो कितना मिल्क सेल कर रहा है, तो 80% ही मिल्क सेल कर रहा है। देयरफॉर वी हैव राइट हियर 80 एंड आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 2 × 2 एंड 2 × 4 = 8, 4 × 4 एंड 25 × 4 = 100। सो हियर वी गेट 25%। देयरफॉर 25% विल बी द करेक्ट आंसर। तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा 25%। आई होप इट इज क्लियर। लेट अस सी द सॉल्यूशन वंस मोर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। सॉरी, इन द क्वेश्चन अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन एडल्टरेटेड विद 20% ऑफ वाटर। एक बेईमान दूध वाला अपने मिल्क में 20% वाटर ऐड करता है तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो क्वेश्चन को समझिए, हमने कंसीडर किया है कि उसके पास पहले प्योर मिल्क था कितना, तो हमने लिखा है कि इसका जो प्योर मिल्क था वो 100% प्योर मिल्क था। क्लियर है? अब हमको प्योर मिल्क का अमाउंट फाइंड आउट करना है किसमें, मिक्सर में। तो मिक्सर हमारे पास क्या है, तो मिक्सर में जो प्योर मिल्क होगा वो 80% ही तो होगा क्योंकि 100% मिल्क में 20% जब वाटर ऐड होगा तो हम तो ये जानते हैं, शुरू से हम पढ़ते आए हैं, 100% का मतलब होता है, सॉरी टोटल का मतलब होता है 100%। 100% में जब 20% वाटर है तो मिल्क कितना है, 80%। तो वो 80% मिल्क सेल कर रहा है 100% में से, तो कितने का प्रॉफिट कमाया, 20 का। कितने रुपए पर, तो 80 पर ही तो करेगा क्योंकि वो 80% ही सेल किया है। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 25। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन द कमेंट एंड इफ यू लाइक देन लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो।
We shall meet in the next video with new question. Till then, goodbye.